हिंदू शरणार्थियों का केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन। दिल्ली सीएम बोले, मैंने सिर्फ सीएए के खतरों के बारे में बताया था। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएए पर बयान आने के बाद हिंदू शरणार्थियों ने उनके घर के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए केजरीवाल के घर के सामने रोक रखा है। इस प्रदर्शन के बीच सीएम केजरीवाल ने कहा, मैंने कल बताया था कि किस तरह सीएए देश के लिए खतरनाक है और कैसे इसके लागू होने से देश भर में भारी संख्या में पड़ोसी देशों से घुसपैठी आ जाएंगे। आज गृह मंत्री ने उस पर अपना बयान दिया है। मैं इसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा। आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने कहा पाकिस्तान से आए लोगों से हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। अगर केजरीवाल भ्रष्ट होते तो अब तक बीजेपी में शामिल हो जाते। जो लोग पाकिस्तान से आएंगे वे झुग्गी में रहेंगे। जब वो लोगों के घरों के सामने रहेंगे तो आम लोगों की बेटियां उनसे कैसे सुरक्षित रहेंगी। दंगे होंगे, डकैती बढ़ेगी, क्या बीजेपी कानून व्यवस्था की गारंटी लेगी। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने सीएए पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इस कानून के लागू होने के बाद 1947 से भी बड़ा माइग्रेशन होगा। उन्होंने कहा था, इस कानून के लागू होने से पाकिस्तान के लोग भारत आएंगे, ये कितना सुरक्षित होगा। चोरी, बलात्कार, डकैती और दंगे बढ़ेंगे। अगर आपके घर के पास पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग आकर झुग्गी बनाकर रहने लगे तो क्या आप पसंद करोगे। केजरीवाल ने आगे कहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। एक बार भारत अपने दरवाजे खोल देगा तो इन देशों से बड़े पैमाने पर लोग भारत आएंगे। क्या हम इन शरणार्थियों को रोजगार देंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।